आज बनाते हैं एकदम बेकरी जैसा टी केक, या फिर आप इसे स्पॉन्ज केक भी कह सकते हैं। इस वनीला स्पॉन्ज केक को आप चाहें तो आइसिंग करके बर्थडे केक भी बना सकते हैं। इस केक को घर पर आसानी से बनाने के लिए हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में बनाएंगे। तो जार में डालेंगे 2 अंडे। अंडे जो हम लेंगे उन्हें हमें रूम टेम्परेचर पे लेना है। चीनी इसमें डाल लेंगे 1/2 कप। 1/2 कप डालेंगे तेल। मैं सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ, बिना महक वाला। आप चाहें तो राइस ब्रैन ऑयल या फिर कोई वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। 1/3 कप डालेंगे इसमें दूध। दूध भी रूम टेम्परेचर पे लेना है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं बस 1 से 1.5 मिनट के लिए। चीनी सारी चीजों में अच्छी तरह से घुल जाए तब तक हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अंडे का मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। ड्राई चीजों की तरफ आते हैं। 1 कप लेंगे मैदा। 1 कप ये 240 ml का है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। 1/2 चम्मच डाल लेना है बेकिंग सोडा। अब इन चीजों को हम एक बार छान लेंगे ताकि कोई लंप रहे तो वो सारा निकल जाए और केक भी हमारा फ्लफी बनकर रेडी होगा। अब जो ग्राइंडर में हमने मिक्सचर बनाया है इसे निकाल लेंगे एक बोल में। मैदे का जो मिक्सचर है इसे 1/2 डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो जाए इसके बाद 2/2 हिस्सा भी इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से सारी चीजों को अब मिक्स कर लेंगे। वनीला केक बना रहे हैं इसलिए इसमें 1 चम्मच भर कर वनीला एसेंस ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर वनीला पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर से सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी कर लेते हैं। केक को बेक करने के लिए मैं 6 इंच का ये गोल वाला टिन ले रही हूँ। आप कोई भी शेप का टिन ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें तेल हर जगह पर लगा लेंगे, सारी जगह ये स्प्रेड हो जाए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं, इसे डस्ट कर लेंगे, सारी जगह मैदा चिपक जाए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा मैदा है इसे झटक कर हम निकाल लेंगे। अब जो केक का बैटर है ये सारा इसमें डाल देते हैं। जब भी हम केक बनाते हैं तो टिन को 1/2 या 1/2 से थोड़ा ज्यादा ही भरेंगे। टिन अगर ज्यादा भरा रहेगा तो केक फूल कर बाहर भी आ सकता है। 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसमें से सारा बबल्स हट जाए। केक को बेक करने के लिए इस तरह के नॉन स्टिक पैन में स्टैंड रख लेते हैं। इसे पहले हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे और इसके बाद ये केक वाला टिन यहाँ पर रख देंगे। ढक देंगे इसे और 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए ढक कर छोड़ देते हैं। ओवन में केक बनाने के लिए 180 डिग्री पे 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे बेक कर सकते हैं। केक अच्छी तरह से जब बेक हो जाए तो इस तरह की स्क्वायर स्टिक इसमें डालकर चेक कर लेंगे। अगर ये एकदम साफ बाहर निकल जाए इसका मतलब ये है कि केक अच्छी तरह से बेक हो गया है। केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। एकदम जालीदार सॉफ्ट वनीला स्पॉन्ज केक बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से टी केक की तरह सर्व कर सकते हैं या फिर इस पर आइसिंग करके इसका बर्थडे केक भी बना सकते हैं।